हाय गाइस, मेरा नाम है डेनिस और आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव पपराज़ी। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा 2021 जीप कंपस फेसलिफ्ट के बारे में। उसके बारे में थोड़ी बहुत मेरे पास एक टाइप से रेंडर्ड से कि वो कैसी दिख सकती है। इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द जीप चेरोकी। अगर आप लोगों को जीप चेरोकी पता है कैसी दिखती है, तो इससे पहले मैं ऑल इन्फॉर्मेशन दूं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो द बेल आइकॉन ताकि मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पा सके। एंड गाइस, अगर आपके पास कोई क्वेरी है या कोई मेरे लिए स्पाई शॉट है, मेक श्योर टू ईमेल मी ऑन माय ईमेल एड्रेस जो आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है kalyana.dennis। तो फील फ्री टू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो फॉलो मी फॉर बिहाइंड द सीन्स ऑफ माय कार रिव्यूज। सो गाइस, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। अभी एक छोटी सी इंट्रो चली, उसके बाद मेरी वीडियो शुरू हो जाएगी। स्क्रीन के सामने एक इमेज देख पा रहे होंगे जो एक रेंडर है फॉर द जीप कंपस फेसलिफ्ट। तो आप इसकी जो फ्रंट हेडलाइट देख पा रहे होंगे, दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द जीप चेरोकी। और इसकी जो फ्रंट बम्पर है, दैट इज आल्सो रीप्रोफाइल टाइप। ये ब्राजील ऑटोमोटिव कंपनी ने कोई रेंडर करा इसको। अलॉय व्हील्स भी हमें इसमें डिफरेंट देखने मिलते हैं। बॉडी मतलब की डिजाइन सेम रहता है कार का। इट इज नॉट अ मेजर, इट इज अ माइनर टाइप ऑफ फेसलिफ्ट। इंटीरियर में भी क्या अपना हमें थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं इन दिस स्पेसिफिक कार। और अगर हम रेयर प्रोफाइल के बारे में बात करें, तो मैं आपको रेयर प्रोफाइल में भी दिखा देता हूँ। इसमें भी सबसे से ही चेंजेस देखने को मिलेंगे, नॉट अ लॉट ऑफ चेंजेस। तो आप देख पा रहे हैं इसके जो टेल लैम्प्स है, दैट आर रीप्रोफाइल्ड एंड बम्पर भी थोड़ा बहुत रीप्रोफाइल कर दिया गया है। अगेन साइड प्रोफाइल में ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को हमें मिलते नहीं है। बॉडी लाइट अगेन रिमेन्स द सेम। बस हम इसमें फ्रंट एंड रेयर हेडलाइट बम्पर वगैरह और अलॉय व्हील्स का डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर हम इंटीरियर के बारे में बात करें, एक्सपेक्टेशंस के बारे में, सो वी कुड एक्सपेक्ट ऑल न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम फ्रॉम द यू कनेक्ट 5 फैमिली विद स्क्रीन साइजेस अप टू 12.3 इंचेस। अ वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज हाईली अनलाइकली टू बी ऑफर्ड। मान ली ऑल डिजिटल स्पीडोमीटर भी क्या पता ऑफर कर दिया जाए। वैसे तो हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते इसका ऑल डिजिटल स्पीडोमीटर। और इसमें हमें मिड साइकिल रिफ्रेश जो हमें मिलेगा, इसके साथ हमें पेट्रोल इंजन नया मिलने वाला है, नॉट द 1.4 लीटर मल्टी टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो चाइना से इंपोर्ट होता है इंडिया। हमें उसकी जगह द फेसलिफ्ट वी कैन गेट अ 1.3 लीटर फायरफ्लाई टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन विद मिड साइकिल रिफ्रेश। और क्या पता इंडिया में भी यही आई इंजन, नॉट द 1.4 लीटर। और अगर हम बात करें द सब 4 मीटर जीप जो अभी एसयूवी लॉन्च करेगा जीप इन 2022, उसमें भी हम सेम ही इंजन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 1.3 लीटर फायरफ्लाई टर्बोचार्ज। तो फिर जो अगर हम इसकी लॉन्च एक्सपेक्टेशन के बारे में बात करें, हम इसका लॉन्च एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड अर्ली 2021। जी हाँ, जीप कंपस फेसलिफ्ट लॉन्च हो सकती है इन इंडिया इन अर्ली 2021। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब बटन एंड आल्सो द बेल आइकॉन ताकि मेरे हर नए लेटेस्ट वीडियोस को नोटिफिकेशन पा सकें। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो